So brothers and sisters, I'm speaking on the topic is not looking down but looking up at others. मेरा शीर्षक भाइयों बहनों ये है कि दूसरों को निचली नजर से नहीं देखना है पर उनको ऊपर की तरफ ऊपर की नजरों से देखना है. So some of these thoughts have been coming to me in the last few weeks. पिछले कुछ हफ्तों से ये जो सोच विचार है वो मेरे मन में आ रहे थे. And I've been thinking about it, about these things, which is according to the word of God. तो ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं इसके बारे में सोच रहा था. And I was thinking of my own need in these things. इसमें मेरी जो खुद की जरूरत है उसके बारे में मैं सोच रहा था. So even though it's a message today, I'm going to speak. भले ही एक संदेश है जो आज मैं बोलने वाला हूँ. It's a message which is basically for me. बुनियादी रूप से ये जो संदेश वो मेरे लिए हैं. So as I've been exercised about thinking about these things, I felt I should share it. जैसे ही मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज को बांटना भी चाहिए आपके बीच. These are things which I desire very much in my own life. ये ऐसी बातें हैं जो मैं अपने खुद के जीवन में बहुत ज्यादा इच्छा रखता हूँ. So we'll read. It's based on Philippians. ये जो वचन है फिलिपियों से है. Chapter 2. दूसरा अध्याय. And based on the life of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर आधारित है ये. But before that, I'll just let us look at 2 Thessalonians chapter 2. उससे पहले हम दूसरे तस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय में देखेंगे. Verse 14. उसका 14 वचन. It says, and it was for this he called you through our gospel, that you may gain the glory of Christ. जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे जो समाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो. So I don't know if you, if we all feel it like this, that the reason for our life primarily is that we may gain the glory of Jesus. मैं नहीं जानता कि हम में से हर एक लोग क्या ऐसे ही सोचते हैं कि हमारा जो जीवन का मुख्य मकसद है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त कर लें. For me it is very clear that it is for my life is to gain the glory of Christ. मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत ही स्पष्ट बात है कि मेरे जीवन में मुझे प्रभु यीशु की महिमा को प्राप्त करना है. And then you think what is the glory of Christ? और फिर हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्या है. The glory of Christ is his life. प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है वो उसका जीवन है. His life, that life which he lived on earth, इस पृथ्वी पर जो उन्होंने जीवन जिया, was the divine life of the Father. वो जो है पिता का महिमा में जीवन था. So that is the glory. तो वही महिमा है. So we'll read now in Philippians chapter 2. अब हम पढ़ेंगे फिलिपियों के दूसरे अध्याय में. It says verse 6 and 7. उसका छठा और सातवां वचन. It says, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself. Now the word emptied himself in different translations, emptied himself is in NASB. और हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के फिलिपियों के 6 और 7 में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया. So, he emptied himself. उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया. So it says in King James version, New King James version, it says he made himself of no reputation. और न्यू किंग जेम्स के अनुवाद में ऐसा कहा गया है कि उसने अपने आप को बिना कोई सम्मान के रखा. And NIV it says he made himself nothing. और NIV में उसके अनुवाद में कहा गया है कि उसने अपने आप को शून्य कुछ भी नहीं है ऐसा रखा. And in the Aramaic Bible it says he stripped himself. और जो Aramaic Bible है उसमें कहा गया है कि उसने अपने आप को पूरी तरीके से एकदम कुछ नहीं है अपने आप को like removing the clothes, जैसे कि हम कपड़ा निकाल देते हैं वैसा रखा. And taking the form of a bond servant, verse 7, and being made in the likeness of men. और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. So brothers and sisters, this verse particularly that he made himself of no reputation.
भाइयों बहनों, जो ये खास शब्द है कि प्रभु यीशु ने अपने आप को जो कुछ कोई सम्मान का नहीं वैसा रखा। See, Jesus was the son of God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। He knew when he was 12 years, he said to Mary, don't you know that I have to be under my father's business? क्योंकि जब वो 12 ही बरस के थे, उन्होंने मरियम से कहा कि क्या तुम नहीं जानती हो कि मुझे अपने परमेश्वर मेरे पिता के व्यवसाय में होना है। He knew that he was the son of God. उन्हें पता था कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। Okay, and he lived that life. और उन्होंने वैसा जीवन जिया। Now we have got a clear picture from the age 30 to 33 and a half. और हमें जो है एक स्पष्ट चित्र मिलता है उनके 30 बरस से लेके जो 33 वर्ष का जो जीवन है उसके बारे में। Because only that is described in the Bible. क्योंकि बाइबल में उसी की व्याख्या दी गई है। But Jesus was all throughout the same. परंतु प्रभु यीशु मसीह हमेशा ही से एक ही समान थे। He did not make himself of no reputation only on the last 3.5 years. ऐसा नहीं कि आखरी के 3.5 साल ही उन्होंने अपने आप को बिना कोई सम्मान के रखा था। See, when they wanted to make him king, he moved away from them. देखिए, जब लोगों ने उन्हें राजा बनाने की कोशिश की तो वहां से वो हट गए। He didn't want the publicity. उन्हें जो है लोगों के सामने आना नहीं था। But because of his works, he was a very famous person in Israel at that time. उनके कामों के कारण इज़राइल में तब के बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे प्रभु यीशु। Crowds followed him. बहुत सारी जो भीड़ है उनका पीछा करती थी। He himself made himself of no reputation. परंतु उन्होंने स्वयं अपने आप को बिना कोई सम्मान के रखा था। But I was thinking of his days before 30 years. परंतु मैं उनके 30 साल के पहले के दिनों के बारे में सोच रहा था। Like when he was a child, children, listen. बच्चों सुनिए, जब वो बच्चे थे। When he was a child like you, जब वो आपके समान ही बच्चे थे, he was the most obedient one, वो एकदम आज्ञाकारी थे, and a very helpful one, बहुत ही मदद करने वाले, but nobody knew about him, परंतु उनके बारे में कोई नहीं जानता था, even his brothers, instead of him being a very good brother, they were not good to him. भले उनके भाई भी, यहाँ तक कि वो इतने अच्छे भाई होने के बावजूद भी प्रभु यीशु के साथ उन्होंने अच्छे से बर्ताव नहीं किया था। Then let us take that he is in a teenager now. अब हम ऐसे सोच सकते हैं कि वो अपने कुमार अवस्था में आ गए हैं। He was the best teenager. वो बहुत ही अच्छे कुमार अवस्था के व्यक्ति थे। The purest teenager in the whole world. पूरे दुनिया में एकदम शुद्ध कुमार अवस्था में रहने वाला व्यक्ति। And again the very helpful person. तब भी मददगार। Good mannered and good discipline. बहुत अच्छे से बर्ताव करने वाला अच्छा अनुशासित एक व्यक्ति। But nobody knew him. परंतु किसी ने भी उसे जाना ही नहीं। He did not make himself known that you know about his Bible knowledge. He knew the Bible so much. उन्हें Bible बहुत अच्छे से पता थी, फिर भी उनकी Bible के ज्ञान के बारे में लोगों को बताया नहीं उन्होंने। He did not try to say the Bible so that others will know that he knows the Bible. उन्होंने ऐसे Bible के बारे में किसी को बताने की कोशिश नहीं की ताकि लोगों को पता चले कि इन्हें Bible अच्छे से पता है। He made himself of no reputation. उन्होंने अपने आप को सम्मान रहित रखा। Okay. When he was a young man. जब वो एक जवान पुरुष हुए। He's the best young man in the whole wide world. पूरे दुनिया का एकदम श्रेष्ठ एक जवान पुरुष थे वो। But nobody in Nazareth knew about this man. परंतु नाजरेत में कोई भी उन्हें जानता नहीं था। Nobody knew in Israel, nobody knew in Nazareth very much, except that he was a carpenter. इज़राइल में या नाजरेत में किसी ने उन्हें जाना ही नहीं था। वो एक बड़ई के अलावा उन्हें कोई और जानता नहीं था उनके बारे में। That he was a good carpenter, a faithful carpenter, that people may be knowing him because of business. हो सकता है कि उनके व्यवसाय के कारण, हो सकता है लोग उन्हें जानते होंगे कि वो एक विश्वासियों के बड़ई हैं। Other than that, he was not very well known. उसके अलावा वो जाने माने या मशहूर नहीं थे। Though he had so many good qualities and good things in his life. भले ही उनके जीवन में बहुत अच्छे गुण थे, बहुत अच्छी बातें थी, फिर भी। What about us? When we are good in our studies. हमारे बारे में क्या? जब हम अच्छे होते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी and होती when है। We have some good gifts. जब हमारे पास अच्छे वरदान होते हैं। It's good. People will know it. अच्छी बात है, लोग जानेंगे उसे। Nothing wrong in that. उसमें कोई गलत बात नहीं है। But the thing is that when we ourselves want to project it, that is the wrong. परंतु बात यह है कि जब हम खुद उसे प्रदर्शित करना चाहते हैं, तब वो गलत हो जाता है। So what I want to say is that Jesus made himself of no reputation. जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने आप को सम्मान रहित रखा। That is something which I need in my own life. तो ये एक ऐसी बात है जो मुझे अपने जीवन में चाहिए। Because if whatever I do, if others appreciate, that is fine.
मैं जो कुछ भी काम करता हूँ यदि दूसरे लोग उसे सराहते हैं तो ठीक है। But I'm talking about one thing, brothers. If I want others to know about me. परंतु मुझे एक बात देखनी है कि क्या मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग मुझे उसके लिए जाने। I want my name to be spoken about. क्या मैं अपने नाम जो है उसके बारे में बात किया जाए ऐसा चाहता हूँ। Then I'm not like Jesus who made himself of no reputation. फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं हूँ जिन्होंने अपने आप को सम्मान रहित रखा था। He had no desire for his name to be projected. उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि उनका जो नाम है वो ऊपर प्रदर्शित किया जाए। So that is the thing which has come to my life. तो ये एक चीज है जो मेरे जीवन की ओर आया है। That you know I should not want any reputation. I should try to make myself of no reputation. मुझे जो है कोशिश करनी है कि मुझे कोई सम्मान नहीं हो, मैं सम्मान रहित हूँ ऐसा होना चाहूँ। I can wish that I may not be known. और मैं ऐसे चाहत रख सकता हूँ कि मैं सबके बीच में जाना माना ना हूँ। Yeah, sometimes you know, yeah. So when people tell about our names, you know, refer to us. देखिए लोग ऐसा होता है कि लोग हमारा नाम लेके बोलते हैं किसी को। He has this person has done this. कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया है। Of course, it gives us happiness and it gives us encouragement. सही बात है कि हमें उससे खुशी मिलती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। Till that time, till that place, it is good. वहाँ तक तो ठीक है। But beyond that, that everybody would know about me. There is where we will be not be like Jesus. और उसके परे जब हम ये सोचते हैं कि सभी लोगों को हमारे बारे में पता होना चाहिए, तब हम यीशु मसीह के समान नहीं होते हैं। All of us as human beings, we need encouragement. देखिए भाई बहनों, हम सभी को जो है मनुष्य है तो हमें प्रोत्साहन की जरूरत है। And I'll come to that about that, speaking about that, that the encouragement that we need to give others. और मैं जो प्रोत्साहन हमें दूसरों को देना चाहिए उसकी तरफ भी आने वाला हूँ। So, but wanting the praise ourselves, suppose we have that is something which is not the life of Jesus. पर अपने आप के लिए प्रशंसा पाने की चाहत रखना वो अच्छी बात नहीं है, तो वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन जैसा नहीं है। But it is there in our flesh that we crave the when we desire the praise of men. पर हमारे शरीर में ऐसी लालसा होती है, इच्छा होती है कि हम मनुष्यों की प्रशंसा की चाहत में रहते हैं। That is where Jesus was different and he made himself of no reputation. तो यहीं पे प्रभु यीशु मसीह एकदम अलग थे, उन्होंने अपने आप को बिना कोई सम्मान के रखा था। So that is the first thing that he Jesus made himself of no reputation. ये सबसे पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बिना कोई सम्मान का रखा। And his life here was as it says in Philippians chapter 2 again. फिर से हम जाएंगे फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय में। Verse 8. आठवां वचन। And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even the death on the cross. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। So he came as a man. वो मनुष्य बनकर आए इस पृथ्वी पे। And he further humbled himself. फिर और उन्होंने अपने आप को दीन बनाया। That's why it says in Matthew chapter 11 verse 29. इसलिए कहा गया है मत्ती 11वां अध्याय उसके 29वें वचन में। He says, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart." यहाँ पे कहा गया है मत्ती 11वां अध्याय उसके 29वें वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। And you shall find rest for your souls. और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। So here was Jesus, a life of daily humbling himself. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हैं जो कि अपने जीवन में प्रतिदिन अपने आप को नम्र कर रहे हैं। From God he took the form of man. परमेश्वर से उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। And then he humbled himself to be a servant. फिर उन्होंने अपने आप को दीन बनाया कि वो एक सेवक बने। See, he's always going down. देखिए वो हमेशा नीचे की ओर ही जा रहे हैं। And from the servant he dies a death on a cross. और फिर सेवक होने के बाद वो क्रूस की मृत्यु को सह लेते हैं। That death on the cross is the worst death during that time. और उस समय में वहाँ पे उस क्रूस पे जो मृत्यु होना था वो सबसे बदतर एक मृत्यु था। That was for criminals. और वो जो मृत्यु है वो सिर्फ अपराधियों को दिया जाता था।
So in fact anybody must have thought that he died as a criminal. और ऐसा हो सकता है कि सब लोगों ने ऐसा ही सोचा होगा कि अपराधी होने के नाते ही वो मर गया. The best person on the earth died as a criminal. सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वहाँ पे उस दिन एक अपराधी के रूप में मर गया. That's the life of Jesus. वही प्रभु यीशु मसीह का जीवन है. Humbling, and he came down. नम्र दीन करते हुए एकदम नीचे की तरफ आए वो. So he came down so much down that there is nothing else more to go down. और वो इतना नीचे आए कि अभी और नीचे जाने के लिए कुछ है ही नहीं. And now the next thought comes. अब दूसरा एक विचार आता है. Jesus never looked down on anybody else. प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी निचली नजर से नहीं देखा. Because he was totally down. क्योंकि वो एकदम ही नीचे थे. He came absolutely down. वो एकदम नीचे की तरफ आए. There was nobody else below that. उसके नीचे तो कोई था ही नहीं. So he would not look at anybody down. तो इसीलिए उन्होंने किसी को भी निचली नजर से देखा ही नहीं. Whether it was a Pharisee. होने दीजिए कि वो फरीसी हो. Whether it was the tax collectors. Whether it was the prostitutes. होने दीजिए कि व्यभिचारिणी हो या कोई चुंगी लेने वाला हो. Anybody. कोई भी. The Canaanite woman. और जो कानानी स्त्री थी. Or the blind Bartimaeus. या तो फिर जो अंधा बार्तिमेस था. He never looked down on anyone. उन्होंने किसी को भी निचली नजर से देखा ही नहीं. But this is one thing which has come into my mind. तो ये एक ऐसी बात है जो मेरे मन में आई. The first thing is of to make ourselves of no reputation. सबसे पहली बात अपने आप को बिना कोई सम्मान के बनाना. The second one is not to look down on people. दूसरी बात है लोगों को निचली नजर से नहीं देखना. Okay. When do we look down on people? कब हम लोगों को निचली नजर से देखते हैं? It's only because we are on the top. ये इसलिए होता है कि हम अपने आप को ऊपर की तरफ रखते हैं. Because we think. क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं. That I am cleverer than the others. हम दूसरों से जो है ज्यादा बुद्धिमान हैं. I look better than the others. हम दूसरों से ज्यादा अच्छे दिखते हैं. I am more spiritual than the others. हम दूसरों से ज्यादा आत्मिक हैं. For us in this church, that is a big problem for us. ये इस कलीसिया में ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है. And sometimes some churches think also like this. Our church is better than the other church. कई कई बार ऐसा भी होता है कि जो कलीसियाएं हैं वो भी ऐसे सोचती हैं कि हमारा कलीसिया जो है दूसरी कलीसियाओं से बढ़कर है. Everywhere we can see that we can look down on people. हर जगह हम ऐसे देख सकते हैं कि हम लोगों को निचली नजरों से देख सकते हैं. That is not the life of Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन नहीं है. Jesus did not look down on a single person. प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति की ओर भी निचली नजर से नहीं देखा. When I think in my life, जब मैं अपने जीवन में सोचता हूँ, I can pinpoint this person I am not thinking so well. I am this person I am not thinking well. This person I am not thinking. We can see in our own minds the people whom we are not thinking well. तो हम सोच सकते हैं अपने खुद के मन में ही कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में अच्छे से मैं सोचता नहीं हूँ, दूसरा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं अच्छी सोच रखता नहीं हूँ. ऐसे हमारे मन में हम सोच रख सकते हैं. It may be a prosperity gospel person. हो सकता है कि वो संपन्नता का सुसमाचार देने वाला व्यक्ति हो. You're thinking very low about them. हम उनके बारे में निचली सोच रखते हों. But Jesus did not think. प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा नहीं थे. We may not agree and we may not join such a thing, but to have an attitude of looking down on any person is something I want to be careful over. हो सकता है कि हम उनकी बातों पर सहमत नहीं होंगे, परंतु ऐसे एक बात पे जहाँ पे हम उन्हें प्रभु यीशु जो है निचली नजरों से देखते हैं, वो जो बताव अगर हमारे मेरे अंदर है तो उसके लिए मुझे बहुत सावधान रहना है. I want to come to a place, I don't know how much time it will take, but not to look down on a single person. मुझे इस स्थान पे आना है, मुझे नहीं पता है कि उसके लिए कितना दिन लग सकता है, परंतु मैं एक व्यक्ति की तरफ भी निचली नजर से नहीं देखना चाहता हूँ. स्पिरिचुअलिटी, द फैमिली और एनीथिंग. होने दीजिए पारिवारिक बात या तो फिर हमारी जो आत्मिकता है कोई भी चीज को लेकर. सो बेसिकली इट इज व्हाट व्हाई वी डू इट इज बिकॉज़ ऑफ प्राइड. ये सारी बातें हम करते क्यों हैं? क्योंकि घमंड के कारण. वी नो वन बिग एग्जांपल ऑफ हाउ वन पर्सन लुक्ड down on the other. हम एक सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति जो कैसे दूसरे की तरफ निचली नजर से देखता है. A very clear example. बहुत ही स्पष्ट एक उदाहरण. You know about Luke chapter 18 about the Pharisee and the publican. तो हम लुका उसके 18वां अध्याय में हम देखते हैं फरीसी और एक जो चुंगी लेने वाला है उसके बारे में. The Pharisee, he thought he was righteous and he
looked down on the sinners and looked down on the sinner. और फरीसी सोचता है कि बहुत ही धार्मिक है और वो पापियों को निचली नजर से देखता है. That is the thing. If we are, if I am honest about myself, I will see that I also do like that, though not in the very way the Pharisee did. यदि मैं बहुत ही ईमानदार होऊंगा तो मैं ये कह सकता, हो सकता है कि मैं भी इस तरीके से करता होऊंगा. हो सकता है कि जैसे फरीसी ने किया उस तरीके से नहीं, पर थोड़ा बहुत करता होऊंगा. When I speak negatively about people, that is the first sign. जब मैं लोगों के बारे में नकारात्मक बात करता हूँ तो सबसे पहला चिन्ह है वो. We must be very careful about speaking negative things about people. हमें बहुत ही सावधान रहना होगा लोगों के बारे में नकारात्मक बातें बोलने के समय. So I thank God that God has given me a wife who always corrects me whenever I speak about negative about somebody. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसी एक पत्नी दी है, जब भी मैं लोगों के बारे में नकारात्मक बात करता हूँ तो वो मुझे वहाँ पे सही करती है. I thank God the Holy Spirit who restricts me when I try to speak. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा के लिए, जब भी मैं ऐसे बोलने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे रोकता है. Yeah, if I listen to the promptings of the Holy Spirit, then I will not look down on people. यदि मैं पवित्र आत्मा की जो धीमी आवाज है उसे सुनूंगा तो मैं लोगों को जो है निचली नजर से नहीं देखूंगा. So brothers and sisters, we judge people, we speak against people only because we are looking down on people. देखिए भाइयों बहनों, हम लोगों की न्याय करते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनके तरफ निचली नजर से देखते हैं. Can we just put that some, I'll just like to show you some pictures. मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं यहां. Can see this person here. He's the big man is looking down. Okay. तो यहाँ पे हम इस व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि छोटी व्यक्ति की तरफ नीचे की ओर देख रहा है. Many times we are like that, though we don't look like this picture, but many times when we look down on anybody, it's like this. और भले ही इस चित्र के जैसा ना हो, परंतु कहीं बार ऐसा ही होता है जब भी हम दूसरे लोगों की तरफ निचली नजर से देखते हैं. Next one. दूसरा. See this. This is written by C.S. Lewis. ये C.S. Lewis द्वारा लिखी गई है. It says a proud man is always looking down on things and people. यहाँ पे कहा गया है कि जो घमंडी व्यक्ति है वो हमेशा ही लोगों की तरफ, बातों की तरफ, चीजों की तरफ निचली नजर से देखता है. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. और बहुत ही स्पष्ट बात है कि जब तक आप जितने लंबे समय तक नीचे ही देखते रहोगे तो आप ऊपर की तरफ जो चीज है उसे बिल्कुल नहीं देख पाओगे. So when we are looking down on people, we cannot see the heavenly father. जब हम लोगों को नीचे ही देखते रहते हैं तब हम जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसको नहीं देख पाते हैं. We will not get revelation. हमें प्रकटीकरण नहीं मिलता. We will not grow Christ-like. हम प्रभु मसीह के समान नहीं बढ़ पाते. The next one. अगला. Now this is okay. So just to give an example of, you know, looking down and looking up. Now this is an auditorium. देखिए ये एक ऑडिटोरियम है. Where the platform is at the top. जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मंच है वो ऊपर की तरफ है. So when you have to speak, you have to look down on the people who are sitting down. और जब आप वहाँ पे खड़े होके बोलते हैं तो जो लोग नीचे बैठे हुए हैं उनको देखकर आपको बोलना होता है. Nothing wrong in that, in this auditorium. इस जो ऑडिटोरियम, इसमें कोई गलत बात नहीं है. It only shows that the speaker has to look down to speak. और ये सिर्फ इतना दिखाता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है, वक्ता है, उसे नीचे की तरफ देख के ही बोलना होता है. Next one. अगला. Now this is another auditorium. एक और प्लेटफॉर्म है ये. Where the platform is down and the seats are on the top. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे है और जो बैठने की सीट है वो ऊपर की तरफ है. So to speak to the people, you have to look up and speak. और यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो, वक्ता हो, तो आपको ऊपर की तरफ देखते हुए बात करना पड़ेगा. It is only spiritually just how we have to think that we are not looking down on people and speaking, but we are looking up in the sense we are humble. That's why we are speaking. We are looking up to people. तो आत्मिक रूप से अगर इसे देखा जाए तो हमें जो है हम नम्र है, इसलिए हमें लोगों की तरफ ऊपर नजर उठा के उनसे बात करनी है. It may be our garbage carrier. हो सकता है कि वो कचरे उठाने वाला एक व्यक्ति हो. We can look down on him. हो सकता है कि हम उन्हें निचली नजर से देखें. Or we can look up at him. We can look up at him. और हम उनको ऊपर की नजर से देख सकते हैं. We can value him. हम उनको मूल्य दे सकते हैं. So that is the thing which Jesus did.
तो यही बात प्रभु यीशु मसीह ने की. The next one. अगला. That is, see this verse. It says Philippians chapter 2 verse 3 says, "Do nothing from selfishness or empty conceit." तो यहाँ पे फिलिपियों के दूसरे अध्याय के तीसरे वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी बात जो है स्वार्थीपन से या तो फिर खालीपन से नहीं करना है. But with humility of mind, let each one regard one another as more important than himself. पर मन की दीनता से हम एक दूसरे को बढ़कर सोचे, अपने से बढ़कर उनके बारे में सोचे. See, this verse we have heard and we also like it to happen in our life. तो ये वचन हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि हमारे भी जीवन में ऐसा हो सकता है. But we heard recently in one of our global meetings. और हाल ही में हमारा जो ग्लोबल सभा चला वहाँ पे मैंने एक बात सुना. सुनील पूनन speaking about his brother Sanjay Poonen. सुनील पूनन जो है वो अपने भाई संजय पूनन के बारे में बोल रहे थे. He said that one of the most prominent things that he finds in his brother is that he considers others more important than himself. एक मुख्य बात जो वो अपने भाई में देखते हैं वो ये है कि वो दूसरों को अपने से बढ़कर देखते हैं. So Sunil Poonen found a living example in his brother. सुनील पूनन ने उनके भाई में एक जीवित उदाहरण को देखा. I was encouraged by that. मैं उससे बहुत ही प्रोत्साहित हुआ. And said that's the living example of that verse. देखिए उस वचन का जीवता एक उदाहरण वो है. So brothers and sisters, let's all desire to consider the others as more important than ourselves. तो भाइयों बहनों हम सभी जो हैं दूसरों को अपने से बढ़कर सोचें. The next one. अगला. Now Romans chapter 12 verse 10 says. रोमियो 12वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है. Romans 12:10 says. रोमियो 12वां अध्याय उसका 10वां वचन. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बड़े चलो. So give preference to one another in the real meaning of it in the margin. It says this thing. देखिए जो एक दूसरे को ज्यादा दूसरों को अपने से ज्यादा आदर देना जो है वो जो मार्जिन में जो लिखा हुआ वो ये बात है जो यहाँ पे दिखाया जाता है. Outdo one another in showing honor. और एक दूसरे को जो है आदर करने में एक दूसरे से बड़े चलो. This is a tremendous thing if we can do it. ये सबसे बड़ी बात होगी अगर यदि आप कर सको. It's not easy. ये आसान नहीं है. It's only if we have a humble heart. यदि हमारे पास एक नम्र हृदय हो. And we know that all glory belongs to the Lord. और हम ये जानते हो कि सारी महिमा सिर्फ प्रभु का है. And that we are not seeking any glory for ourselves. अपने लिए हम कोई भी महिमा की कामना नहीं कर रहे हैं. Then we can outdo one another in showing honor to the others. तो फिर हम परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चल जाते हैं. First of all in the house, if the husband can outdo in showing honor to his wife. सबसे पहले घर में ही यदि पति जो है एक दूसरे को आदर करने में बढ़ते चले जाते हो. I am far from it. मैं उससे बहुत ही दूर हूँ. So this is something which we can try to do in the house, in the to our children, to our family members, and to the brothers and sisters. और ये एक बात है जो हम कर सकते हैं हमारे बच्चों की तरफ, हमारे जो घर के सदस्य हैं उनकी तरफ, और जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए. When I'm talking about a brother, I want to lift him up. जब मैं एक भाई के बारे में बोलता हूँ तो मुझे उन्हें ऊपर उठाना है. I'm not worried that he is getting all the honor. और मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि उन्हें ज्यादा आदर मिल रहा है. I want to honor on and put more honor on him or brothers and sisters. और मैं उन्हें ज्यादा ही ज्यादा आदर देना चाहता हूँ भाई बहनों को. So something which I need in my own life. ये एक ऐसी बात है जो कि मेरे जीवन में मुझे चाहिए. So brothers and sisters, these are the thoughts which I've been thinking for my own life. तो ये सारे सोच विचार जो है मैं अपने स्वयं के जीवन के लिए सोच रहा था भाइयों बहनों. All things come to really whether we are being humble. तो ये सारी चीजें जो है उसकी तरफ आता है कि क्या हम सच में नम्र हो रहे हैं. I'm also reminded of one thing which Sister Annie was saying. मैं एक और बात मुझे याद आई जो कि सिस्टर एनी कह रही थी. When they wanted to celebrate her birthday. जब लोग उनका जो है जन्मदिन मनाना चाहते थे. And she said, I'm sort of
uncomfortable or rather I am this afraid that I will not get reward in heaven. वो कहने लगी कि मुझे ऐसा डर लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे स्वर्ग में मेरा जो पुरस्कार है वो नहीं मिलेगा. See, when people praise us for the things that we have done here, then the praise already we have got. देखिए जब लोग यहाँ पे जब हम अच्छे काम करते हैं उसके लिए प्रशंसा करते हैं तब तो हमारा इस पृथ्वी पर जो पुरस्कार है वो मिल जाता है. The praise in heaven will be lacking. फिर जो स्वर्ग में जो हमारे लिए प्रशंसा है वो जो पुरस्कार है वो रह जाएगा. Many times we are interested in the praise which is here in the world. अधिकतर समय हम जो है इस दुनिया में जो हमें प्रशंसा मिलती है उस पे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं. But here was a lady who was saying that I may not get that praise now in heaven because you all are praising me here. तो वो यहाँ पे वो बहन कह रही थी कि तो आप लोग सब लोग यहाँ पे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे स्वर्ग में प्रशंसा नहीं मिलेगी. That's a good thought. तो ये अच्छी एक विचार है. So don't worry if you are missed in praise. ऐसे कोई भी चिंता ना करें कि यदि आपको प्रशंसा करने में आप रह गए हो कोई आपका प्रशंसा करने के लिए. That praise God will give you. वो जो प्रशंसा आपको नहीं मिली है वो परमेश्वर आपको देंगे. There are so many secret things which only God knows. बहुत सारी ऐसी रहस्यमय बातें सिर्फ परमेश्वर जानते हैं. The word of God says He will reward us in heaven. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसे लोग ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कार देने वाला है. So let us have that mind, that attitude which was in Jesus. तो ऐसा ही एक मन, ऐसा ही एक जो रवैया है जो कि प्रभु यीशु मसीह में था वो हमारे अंदर हो. To start making ourselves of no reputation. ताकि हम जो है अपने आप को सम्मान रहित बनाने की कोशिश में लग जाएं. Not trying to make a reputation for ourselves. ऐसा नहीं कि अपने लिए सम्मान बनाने की कोशिश में रहें. Now our work is to make ourselves of no reputation. अब हमारा काम ये है कि हम अपने आप को सम्मान रहित बनाएं. And then the other thing is, now our life is not to look down on anybody. और अभी हमारा जो जीवन है वो दूसरों को निचली नजरों से देखना नहीं है. It's not going to be easy. ये आसान होने वाला नहीं And है. It is not by our efforts, ये हमारी सामर्थ से नहीं है. But the Holy Spirit will work in our lives. पर पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन में कार्य करेंगे. Then we'll become a little more like Jesus. फिर हम थोड़ा सा और प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएंगे. On this earth and be a blessing to people. और इस पृथ्वी में हम ऐसे हो जाएंगे और एक लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे. Amen. Amen.